सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो भी व्लॉग होने वाला है जैसे कि आप जानते हो। एंड सो गाइस, मैं आया हूँ अपनी नानी के घर राजस्थान, जो कि राजगढ़ में है। एंड इस टाइम मैं मामा और मैं, ये मामा पीछे खड़े हुए हैं, मामा और मैं साथ में आए हुए हैं इधर घूमने के लिए। बाइक उठा ली, थोड़ी गेड़ी वेड़ी मारेंगे और देखते हैं कहाँ चलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी, आपको सारी चीजें बताएंगे। सो बने रहिए आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मामा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अब हम रुके हैं यहाँ पे ढाबे पे, ये अपनी बाइक खड़ी यहाँ पे। तो एक मामा और आ रहे हैं, मतलब मामा के भाई एक और मामा और हैं अपने, गोलू मामा, वो भी आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे फिर अंदर चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। तो उससे पहले तो मैं ही अंदर चले जाऊँगा, तो पहले अंदर चल के वेट करते हैं। तो चलो यहाँ पे बैठने मामा। यहाँ पे मामा ने अपना हेलमेट रख रखा, ये मैंने भी रख दिया, और यहाँ पे वेट कर रहे हैं मामा का। सो गाइस, हम आए हैं राजपूताना होटल एंड रेस्टोरेंट में। सो गाइस, मामा जो है अभी मस्त पॉप पॉप लेके आए हैं। पॉप पॉप ये अपने दिल्ली में तो मिलता ही नहीं है ना गाइस, ये अपने ये इधर राजस्थान साइड मिलता है मस्त पॉप। मतलब जैसे ओएस वगैरह होता है ना, लेकिन ओएस से बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मतलब स्पाइसी बोलो या मसाला, जैसे इसमें लिखा है ना मसाला, ऐसा मसाला मिलता है यहाँ पर। ओएस जैसा ही होता है लेकिन इसमें मसाला ज़्यादा होता है, एक नंबर की चीज़ लगती है, हम बचपन में बहुत खाते थे। फाइनली दोस्तों, गोलू मामा आ चुके हैं। तो ये है गोलू मामा। तो गोलू मामा कैसे हो? बस बढ़िया है जी। और कहाँ घुमाने के लिए लेके जा रहे हो आज? ये फंस गया सी। आज आपको स्विमिंग पूल में लेके चल रहे हैं, स्विमिंग पूल। अच्छा, ट्रैक्टर में गाने बड़े बजते हैं यहाँ पे। ट्रैक्टर तो आराम से, ट्रैक्टर में बैठ के सवारी करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो भाई। क्या कह रहे हो मामा? ये मामा तो फुल पैक हो गया, गर्मी इतनी है ना कि गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी। राजस्थान का खाना ट्रैक्टर, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अच्छा तो ठीक है गाइस, सब चलते हैं स्विमिंग पूल और आपसे वहाँ के बात करते हैं। तो चलिए। सो फाइनली दोस्तों, अब आ चुके हैं हम स्विमिंग पूल में, जैसे कि आपको बताया था। सो गाइस, हमने दिल्ली में तो हमने, आपने जो पिछला ब्लॉग था उसमें देखा था, स्विमिंग करी थी। और तो अब मैं यहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ कि गांव में कैसे हम स्विमिंग, मतलब यहाँ पे स्विमिंग पूल कैसा है और कैसे स्विमिंग करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको दिखा देता हूँ कैसा स्विमिंग है यहाँ का। तो चलो मामा चले फिर स्विमिंग करने। अच्छा कोल्ड ड्रिंक, शाबाश बेटा। अच्छा कोल्ड ड्रिंक लेंगे। हाँ यार, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे खाने पीने का सामान है, जैसे भूख वगैरह लगती है ना स्विमिंग करने के बाद, फिर खा लो। टिकट आ गया। तो दोस्तों कपड़े वपड़े उतार दिए हैं सबने और कॉस्ट्यूम वगैरह पहन ली, मीन्स जो मिलता है, और अब चलते हैं अंदर। तो चलो तो गाइस, यहाँ से है एंट्री, तो यहाँ एंट्री कर लेते हैं। और यहाँ पे पहले बोला है इन्होंने पैर धोने के लिए, पैर धो लिए, बंद कर दी, और ये चीज़ है। किसकी गाड़ी में बैठूं? चलो इसे इसे। सो फाइनली गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इस वजह से मैं आगे का पार्ट इसका शूट नहीं कर पाया ब्लॉग का। तो गाइस, इस टाइम मैं हूँ राइट नाउ अपने नाना जी की डेयरी पे, मीन्स दूध की जो डेयरी होती है ना, वो अपने नाना जी की है। तो मैं आपको इसके कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ और फिर उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अच्छी लगी है तो आपको पता है सभी को क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड तो आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।